एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इंडियन आइडल को आज कौन नहीं जानता, सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ हैं। इंडियन आइडल से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कभी सनसनीखेज खुलासे तो कभी इमोशनल ड्रामा, टीआरपी के लिए रियलिटी शो में हिटिए फंडे। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ समझाएंगे, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। आइए दोस्तों आपको बता दें कि सलमान और शाहरुख सवाई भट्ट को लेकर क्यों भड़के। एक दौर में रियलिटी शो का कोर कंटेंट बस अपनी थीम पर ही टिका रहता है, मगर आजकल ऐसा नहीं है। रियलिटी शो में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर फोकस होता है तो वो है टीआरपी। डेली से सास बहू ड्रामे से इतर रियलिटी शो का काफ़ी पसंद किया जाता है, इसीलिए मेकर्स के सामने भी बड़ी चुनौती होती है कि वो कैसे अपने शो को हिट बनाएं। इस वजह से तगड़े कंपटीशन के बीच अपने शो की अच्छी टीआरपी के लिए कई सारे फंडे या कहें ट्रिक्स को फॉलो किया जाता है। जानते हैं उनके बारे में, आपको बता दें इमोशनल एंगल, ह्यूमन बेस्ड स्टोरीज कहें या इमोशनल तड़का हमेशा से ही कंटेंट देते आया है। रियलिटी शो में अगर किसी के आंसू छलके तो समझो कि वो एपिसोड हिट हो गया। इन दिनों शो में इमोशनल का खूब तड़का देखने को मिल जाएगा। कंटेस्टेंट की जिंदगी के इमोशनल पहलुओं को चाहे केबीसी हो या डांस इंडिया हो या बिग बॉस हो या इंडियन आइडल, हर मंच पर बुलाया जाता है या फिर बनाया जाता है। इसमें गेस्ट सेलिब्रिटी जजेस भी आकर अपना तड़का डालकर जाते हैं। गेस्ट आपको बता दें बीते सालों में रियलिटी शो अपनी फिल्में या प्रोजेक्ट को प्रमोट करने का अच्छा जरिया बनकर सामने आया है। रेगुलर गेस्ट को छोड़कर मेकर्स का उन गेस्ट पर भी फोकस रहता है जिनकी मौजूदगी शो में चार चांद लगाएं। इस फहरिस्त में गोविंदा रेखा सबसे बड़ा उदाहरण है। अमूमन हर रियलिटी शो में गोविंदा और रेखा नजर आ चुके हैं। उनकी बातें और मौजूदगी इतनी एंटरटेनिंग होती है कि टीआरपी को बूस्ट मिलता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गरीबी इन दिनों एक ट्रेंड सा चल रहा है। कंटेस्टेंट की गरीबी को फिलॉन्ड करने का केबीसी, इंडियन आइडल, सुपर डांस, डांस दीवाने, डांस इंडिया डांस जैसे कई मंच हैं जहाँ कंटेस्टेंट की गरीबी को देखकर दिखाया जाता है कि उनकी आंखें नम हो जाएं। इससे शो को चर्चा में बने रहने का मौका मिलता है, साथ ही जबरदस्त टीआरपी भी मिलती है। और आपको बता दें दो दिग्गज एक्टरों का कहना है, सलमान खान और शाहरुख खान का कहना है कि सवाई भट्ट को फिर से दोबारा शो में वापस बुलाया जाए। उनका कहना है कि किसी गरीब की जिंदगी से न खेला जाए, पहले तुम शो में बुलाते हो उसके बाद में उन्हें बाहर निकाल देते हो, इस तरह से किसी की जिंदगी को बर्बाद न किया जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सवाई भट्ट को शो के अंदर फिर से वापस आना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप सवाई भट्ट फैन है तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।